rahmanir as alaikum students welcome to the scholar science college my name is sana Nisar and today is our fourth lecture of chapter number 13 s and p block elements in the previous lecture we had discussed the physical properties of period 3 elements which includes electrical conductivity and melting boiling point. In our today's lecture we will discuss the chemical reactions of period 3 elements. Chemical reactions include reaction of these elements with water, oxygen, and chlorine. We will discuss each reaction one by one in detail. As you all know, that period 3 elements include sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. Before discussing the chemical reactions, first we will discuss the reactivity of sodium, magnesium, and aluminium. सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है टूवर्ड्स वाटर और ऑक्सीजन और क्लोरीन। इसकी रीज़न क्या है इसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर को देखें तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से कम है एट है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं मेटेलिकट्स की फॉर्म में और मेटेलिकट्स के अंदर हर मेटल का एटम सराउंड किया हुआ होता है विद अदर मेटल एटम्स जैसे कि सोडियम का एक एटम है तो उसकी सराउंडिंग में एट अदर सोडियम एटम्स उसके साथ अटैच होते हैं इसलिए हम कहते हैं कि सोडियम का कॉर्डिनेशन नंबर एट है सिमिलरली मैगनीशियम और एलुमीनियम कोऑर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व होता है अब अगर हम लोग इनके साइज़ को कंपेयर करें तो वेन वी मूव अलॉन्ग द पीरियड तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है मीनस न्यूक्लियस का चार्ज ऑन द बैलेंस शेल ज्यादा होता है जिसकी वजह से सोडियम की कंपेरेटिवली मैगनीशियम का साइज़ कम हो जाता है और मैगनीशियम में कम्पेरेटिवली एलुमीनियम का साइज कम हो जाता है अब सोडियम का एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम है दूसरा इसका साइज लार्ज है जिसकी वजह से सोडियम की मेटालिक लेटस के अंदर एटम्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते और इसका लेटस लेस स्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव होता है अगर हम मैग्नीशियम पे आएँ तो मैग्नीशियम की इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी है क्योंकि ये मिड में प्रेजेंट है दोनों के मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम से ज़्यादा है और साइज़ भी सोडियम से स्मॉल है तो मैग्नीशियम के मेटेलिकट्स के अंदर एटम्स की पैकिंग सोडियम के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी होती है जिसकी वजह से मैग्नीशियम का मेटेलिकटस मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम अब अगर हम एल्युमिनियम पे आते हैं तो एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैग्नीशियम से इक्विवेलेंट है ट्वेल्व है लेकिन एल्युमिनियम का साइज जो है वो स्मॉल है जिसकी वजह से एल्युमिनियम uh, के मेटालिक लेटस के अंदर एटम्स की पैकिंग और अच्छी है और ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू मैगनीशियम और एल्युमिनियम जो है वो ज़्यादा अच्छा या स्टेबल मेटालिक लेटस बनाता है और स्टेबल मेटालिक लेटस होने की वजह से एल्युमीनियम लेस रिएक्टिव है देन सोडियम एंड मैग्नीशियम अब ये तो हो गया रिएक्टिविटी कंपैरिजन इन तीनों मेटल्स का अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं पीरियड थ्री के हर एलिमेंट की रिएक्टिविटी विद वाटर ऑक्सीजन एंड क्लोरीन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर वन दैट इज रिएक्शन ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट्स विद वाटर फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ जाता है सोडियम अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम विग्रसली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ मीन्स का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और इसकी रीज़न यही है कि एक तो सोडियम का लार्ज साइज है एटम्स का ऊपर से कोऑर्डिनेशन नंबर कम है जिसकी वजह से बेटेलिकटर्स के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो कम है और रिएक्टिविटी ज़्यादा है और इसी रीज़न की वजह से सोडियम कोल्ड वाटर के साथ भी एक, एक एग्जोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है रिएक्शन में से और प्रोडक्ट में एक कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड

अब हम देखते हैं अपना सेकंड एलिमेंट दैट इज़ मैग्नीशियम कि मैग्नीशियम वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है अब मैग्नीशियम सोडियम के बाद आता है तो इसकी रिएक्टिविटी कोल्ड वाटर के साथ बहुत स्लाइट है और इसकी रीज़न क्या है मैग्नीशियम का साइज सोडियम से कम है कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम से ज़्यादा है जिसकी वजह से मैग्नीशियम मैगनीशियम मेटेलिकटस के अंदर जो है वो क्लोजली पैक्ड उसके एटम क्लोजली पैक्ड हैं और स्टेबल लेटस है जिसकी वजह से वो लेस रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव होने की वजह

तब हमने ये देखा कि अब हम सोडियम से मैग्नीशियम पे मूव करके आए तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हुई है सोडियम कोल्ड वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट कर रहा है जबकि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ एक स्लाइट रिएक्शन शो कर रहा है जबकि स्टीम के साथ अच्छा रिएक्ट कर रहा है नाउ वी लुक एट एल्यूमिनियम इट इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ पीरियड थ्री एलुमीनियम इज़ वेरी स्टेबल एज़ कम्पेयर टू मैगनीशियम बिकॉज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़ एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व इसका जो मेटेलिक लेटेस्ट है वो मैग्नीशियम से भी ज़्यादा स्टेबल है और ये बहुत लेस रिएक्टिविटी शो करता है एज कम्पेयर टू सोडियम एंड मैग्नीशियम तो एल्युमिनियम अंडरकंडीशन वाटर के साथ रिएक्ट करता है मतलब एलुमिनियम सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता और जब यह स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री जिसको हम कहते हैं एलुमिना विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस अब जो रिएक्शन है एक तो पहले ही रिएक्शन स्लो होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्शन फर्दर स्लो होता जाता है और इसकी रीज़न ये होती है कि मेटल की सरफेस के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग आ जाती है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम एल्युमिनियम ऑक्साइड कोटिंग ज़्यादा होती रहती है और रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है मीन्स मेटल जो है वो स्टीम से फिर इंटरेक्ट करके रिएक्ट नहीं कर सकती एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग की वजह से तो हम ये कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाता है अब हमने ये देखा कि एल्युमिनियम तक रिएक्टिविटी डिक्रीज कर गई है एल्युमिनियम सिर्फ स्टीम से रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा नाउ वी मूव टूवर्ड सिलीकॉन इट इज द फोर्थ मेंबर ऑफ पीरियड थ्री सिलिकॉन ड्यू टू इट्स जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर सिलिकॉन एग्जिस्ट करता है एक जॉइंट फॉर्म में मतलब आप अगर आप इमेज देखें सिलीकॉन की तो हर सिलीकॉन एटम दूसरे सिलीकॉन एटम के साथ अटैच है विद अ कोवलेंट बॉन्ड और और ये जो एंड्स हैं इस पिक्चर के जो एंड्स हैं ये ओपन है इट मींस ये एक मैंने पार्ट लिया है सिलिकॉन का नेटवर्क का जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है उसका एक पार्ट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है ये बोहुत, एक एक बहुत बहुत जॉइंट मॉलिक्यूल है जो जिसमें नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और ये कोवलेंट नेचर होने की वजह से जब हम सिलीकॉन को वाटर से रिएक्ट कराते हैं सो तो इट विल गिव नो रिएक्शन नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ अवर पीरियड थ्री इज phosphorus एंड सल्फर फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज पी फोर मॉलिक्यूल पी फोर की फॉर्म एग्जिस्ट करता है और सल्फर एग्जिस्ट करता है एस एट की फॉर्म एक रिंग स्ट्रक्चर है सल्फर की इन दोनों की कोवलेंट नेचर है और कोवलेंट नेचर की वजह से ये दोनों भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते है. अगर हम फॉस्फोरस को वाटर से रिएक्ट करें या सल्फर को वाटर से रिएक्ट करें सो इट विल गिव नो रिएक्शन सल्फर और फास्फोरस की जो स्ट्रक्चर होती है वो आप देख सकते हैं फास्फोरस की पी फोर की स्ट्रक्चर किस तरह की है और सल्फर की एस एट की फॉर्म में किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और ये दोनों कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन क्लोरीन एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स लाइक सल्फर और फॉस्फोरस अगर हम इसे कंपेयर करें तो इसका साइज़ स्मॉल होता है और इंटर मोलिकुलर फोर्सेज जो है मीन वॉन्टर वाल्व फोर्सेज वो वीक होती हैं जिसकी वजह से क्लोरीन सम एक्सटेंट में वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है और एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन देता है और जो इसका रिएक्शन है वाटर के साथ वो एक वीक रिवर्सबल रिएक्शन है दैट इज स्लो रिएक्शन तो क्लोरिन को अगर हम वाटर में डालते हैं सो इट डिज़ोल्स टू समस्टेंट एंड गिव्स अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स एक बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा बनता है हाइपोक्लोरस एसिड अब इन दोनों एसिड्स में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक स्टेबल एसिड है लेकिन जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो एक अनस्टेबल एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हाइपोक्लोरस एसिड डिसोसिएट करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस अब जो हाइपोक्लोरस एसिड की डिकम्पोजिशन है है, वो एक फास्ट रिएक्शन है अगर हम इन दोनों का नेट रिएक्शन निकालें तो नेट रिएक्शन हमें ये बताता है कि जब क्लोरीन वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है तो प्रोडक्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है और क्लोरीन की रिएक्टिविटी की रीज़न भी यही है कि इसका स्मॉल साइज है और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है और रिएक्ट करती है नाउ द लास्ट एलिमेंट इज आर्गन अगर हम आर्गन को देखें तो आर्गन एक इनर्ट नोबल गैस है इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल इनर्ट का मतलब ही ये होता है जो किसी से रिएक्ट ना करे अगर हम आर्गन को देखें इसकी अटोमिक स्ट्रक्चर को देखें तो आर्गन की बैलेंस शेल कंप्लीट है इसको ऑक्टेट है. तो ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है जिसका मतलब है कि कोई रिएक्शन शो नहीं करता विद वाटर। नाउ अगर हम समरी को देखें तो समरी हमारे पास क्या है कि अब जब पीरियड थ्री एलिमेंट्स को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्टिविटी अलोंग द पीरियड डिक्रीज करती जाती है मीनस जितना ज्यादा सोडियम रिएक्ट कर रहा है उतना मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं कर रहा जितना मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ एल्युमिनियम बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा तो सोडियम जो है प्रोडक्ट में एक कलरलेस सोल्यूशन दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैग्नीशियम के अंदर कंडीशंस हैं वो कोल्ड वाटर से स्लाइट रिएक्शन शो करता है जबकि स्टीम के साथ एक गुड विगरस रिएक्शन शो करता है एल्युमिनियम ओनली रिएक्ट विद स्टीम टू गिव एल्युमिनियम ऑक्साइड जबकि सिलिकॉन जो है एक जॉइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल होने की वजह से वाटर से रिएक्ट नहीं करता फॉस्फोरस और सल्फर अपनी कोवलेंट नेचर की वजह से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और क्लोरीन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सम एक्सटेंट में वाटर के अंदर डिजॉल्व होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस जबकि ऑर्गॉन एक इनर्ट गैस है इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल नाओ द नेक्स्ट पॉइंट और the नेक्स्ट थिंग इज रिएक्शन ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट्स with ऑक्सीजन पीरियड थ्री एलिमेंट्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में ऑक्साइड्स बनाते हैं अब ऑक्साइड्स के बारे में आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि ऑक्साइड्स की कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास थ्री टाइप्स की ऑक्साइड्स होती हैं नॉर्मल ऑक्साइड पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू चार्ज हो तो वो हमारे पास कहलाता है नॉर्मल ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन चार्ज हो तो वो कहलाता है पर ऑक्साइड और अगर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन बाई टू चार्ज हो तो वो कहलाता है सुपर ऑक्साइड अब हम देखते हैं सबसे पहला एलिमेंट दैट इज सोडियम कि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है सोडियम क्योंकि एक मेटल है तो सोडियम मेटल को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होगा तो एक ऑरेंज कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होगा और आफ्टर रिएक्शन हमारे पास एक वाइट सॉलिड मिक्सचर बनेगा सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड का और सोडियम पर ऑक्साइड का सो सोडियम फॉर्म्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड अगर हम सोडियम के नॉर्मल ऑक्साइड को देखें Na2O तो यहाँ पे एक सोडियम सोडियम के ऊपर प्लस वन चार्ज है और दो सोडियम एटम है सो प्लस टू एंड ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू चार्ज है और वन सोडियम एटम है इट मीन्स प्लस टू बैलेंस माइनस टू अगर ऑक्सीजन माइनस टू चार्ज हो तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड तो एन ए टू एक नॉर्मल ऑक्साइड है सिमिलरली एन ए टू ओ टू को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर प्लस वन चार्ज है और टू सोडियम एटम्स हैं इट मीन्स ओवरऑल चार्जेस प्लस टू और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन चार्ज है और टू सोडियम एटम्स हैं सो ओवरऑल चार्जेस माइनस टू सो प्लस टू बैलेंस माइनस टू अब क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन चार्ज है तो इसलिए ये कहलाता है पर ऑक्साइड तो अब सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो नॉर्मल ऑक्साइड भी बना रहा है और पर ऑक्साइड भी बना रहा है यहाँ से एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि वाई सोडियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड एज वेल एज पर ऑक्साइड तो इसकी रीज़न यही है कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कम है और इसका साइज लार्ज है जिसकी वजह से ये लेटेस के अंदर एटम्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड ना होने की वजह से लेटेस्ट को अनस्टेबल कर देते हैं और इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम इट फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड एज़ वेल एज़ पर ऑक्साइड अब हमारे पास जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं तो जो सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड है एन ए टू ओ दैट इज़ अ बेसिक ऑक्साइड इसकी जो नेचर uh, है वो बेसिक नेचर है लेकिन जो सोडियम का पर ऑक्साइड है ये एसिडिक है वाई सोडियम पर ऑक्साइड इज एसिडिक एंड सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर अगर हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें तो हम ये कहते हैं कि जितने ज़्यादा सोडियम जितने ज़्यादा सोडियम के अंदर ऑक्सीजन एटम्स ज़्यादा होंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ करने की वजह से एसिडिटी इंक्रीज़ करेगी तो जो सोडियम का पर ऑक्साइड है उसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स ज़्यादा हैं जिसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और एसिडिटी ज़्यादा है जबकि नॉर्मल ऑक्साइड जो मेटल का होता है दैट इज बेसिक इन नेचर इसलिए हम कहते हैं जो एन है वो बेसिक नेचर का है और जो एन है वो एसिडिक नेचर का है नाउ वी मूव टूअर्ड द थर्ड एलिमेंट दैट इज मैग्नीशियम मैग्नीशियम किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एज वी नो दैट मैग्नीशियम इज अ मेटल और मेटल को जब हम ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो वाइट इंटेंस वाइट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है और प्रोडक्ट में वाइट कलर का एक सॉलिड बनता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम क्योंकि सोडियम भी कंपेरेटिवली हमने देखा लेस्ट रिएक्टिव होता है इसलिए ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है पर ऑक्साइड नहीं बनाता सो so, अगर हम केमिकल इक्वेशन को देखें तो एम जी रिएक्ट विद ओ टू दैट इज ऑक्सीजन टू गिव एम जी ओ अब ये जो एम जी ओ है दैट इज़ अ सॉलिड वाइट सॉलिड दैट इज़ अ वाइट सॉलिड एम जी ओ मैगनीशियम ऑक्साइड Now we move towards the next element that is aluminium. Aluminium is also a metal. When aluminium metal burn in oxygen gas, it will give white solid aluminium oxide that is also called alumina Al2O3. so we look at the chemical equation ko agar hum log dekhe so Al is aluminium it burns in oxygen to give Al2O3. नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज सिलीकॉन सिलीकॉन बर्न्स इन ऑक्सीजन इफ़ हीटेड स्ट्रॉगली टू प्रोड्यूस सिलीकॉन डाई ऑक्साइड सिलीकॉन को अगर हम स्ट्रांगली हीट करें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये प्रोडक्ट में बनाता है सिलीकॉन डाई ऑक्साइड जिसको हम सिलीका भी कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी एक जॉइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल है अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसके एंड्स जो हैं वो ओपन है इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है सिलिका का जिसमें हर एक एटम फर्दर दूसरे एटम के साथ अटैच है बाय अ कोवलेंट बॉन्ड सो देर आर नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज सिलिका नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज फॉस्फोरस अगर हम वाइट फॉस्फोरस को बर्न करवाएं इन एयर तो एक वाइट कलर का इंटेंस स्मोक रिलीज होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स हमारे पास बनते हैं फॉस्फोरस का ट्राईऑक्साइड भी बनता है और फॉस्फोरस का पेंटा भी बनता है सो so फॉस्फोरस क्योंकि एग्जिस्ट करता है पी फोर फॉर्म में एक सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में पी फोर सो पी फोर वेन रिएक्टेड विद ओ टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी तो प्रोडक्ट में बनेगा पी फोर ओ सिक्स दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू पी टू ओ थ्री और इक्वलेंट कैसे है पी फोर ओ सिक्स की अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालें ऐटम्स की फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के आइटम की तो ये बन जाती है पी टू ओ थ्री जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड तो फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड बनता है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और अगर एक्सेस सप्लाई हो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो तो उसके रिजल्ट में फॉस्फोरस का पेंट ऑक्साइड बनता है दैट इज पी टू ओ फाइव ऑल्सो इक्वलेंट टू पी फोर ओ टेन फॉस्फोरस का ट्राई और फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड इन दोनों की स्ट्रक्चर गिवन है आप देख सकते हैं कि फॉस्फोरस का ट्राई किस तरह से एग्जिस्ट करता है और फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड किस तरह से एग्जिस्ट करता है नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज सल्फर सल्फर बर्न्स इन एयर ऑन जेंटल हीटिंग विदेल ब्लू फ्लेम एंड प्रोड्यूस कलरलेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर हम सल्फ़र को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाएं, एयर की प्रेजेंस में बर्न करवाएं, तो प्रोडक्ट में हमारे पास एक गैस बनती है दैट इज़ कॉल्ड सल्फर डाई जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो गिवन है और अगर ऑक्सीजन uh, एक्सेस में हो तो सल्फर डाई ऑक्साइड इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राई ऑक्साइड एस ओ थ्री नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन क्लोरीन डू नाट डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता अंडर कंडीशन जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है क्लोरीन वन ऑक्साइड एंड क्लोरीन सेवन ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं क्लोरीन मोनो ऑक्साइड एंड क्लोरीन हैप्टो ऑक्साइड अगर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन रहा है दैट इज सी तो इसमें क्लोरीन के ऊपर प्लस वन चार्ज होता है और अगर क्लोरीन हेप्टसाइड बन रहा है सी तो इसमें क्लोरीन पे प्लस सेवन चार्ज होता है और इसकी इमेजेस जो हैं जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी इमेजेस जो हैं वो गिवन हैं Now the next element is argon. As we all know that argon is inert gas. It has a complete octet, so it do not react with water as well as oxygen. So when argon is reacted in the presence of oxygen, it will gives no reaction. अब अगर हम लोग summary देखें period three elements के reactions की with oxygen, तो यहाँ से ये पता चलता है कि period three के किसी भी element को जब हम oxygen की presence में burn करवाते हैं, तो product में oxides बनते हैं। और सोडियम जो है वो दो तरह के ऑक्साइड देता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बाकी एलिमेंट्स की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड दोनों सॉलिड नेचर के होते हैं मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो भी सॉलिड नेचर का होता है एक तो सॉलिड वाइट सॉलिड के केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है दैट इज ऑल्सो व्हाइट कलर सॉलिड सिलिकॉन के केस में सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है दैट इज ऑल्सो सॉलिड और फॉस्फोरस केस में फॉस्फोरस ट्राई और फॉस्फोरस पेंट बनता है दैट और ऑल्सो सॉलिड इन नेचर सल्फर केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है दैट इज अ दैट इज गैश इन नेचर और ये फर्दर अगर ऑक्सीजन एक्सेस में हो तो ऑक्सीडाइज हो जाती है टू सल्फर ट्राइऑक्साइड और क्लोरीन के केस में क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनता है दैट इज अ गैस क्लोरीन हैप्टोक्साइड भी बन सकता है दैट इज अ लिक्विड और ऑर्गॉन इट डू नॉट रिएक्ट एट ऑल अब इन ऑक्साइड्स की क्या नेचर है इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी क्या स्ट्रक्चर है और इनका एसिड बेस बिहेवियर क्या है मीन्स वेदर दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक और दे आर बेसिक और दे आर एम्फोटेरिक वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में नाउ वी मूव टूअर्ड्स द लास्ट पॉइंट ऑफ टूडेज लेक्चर दैट इज रिएक्शन ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट्स विद क्लोरीन जब पीरियड थ्री एलिमेंट्स क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में क्लोराइड्स बनते हैं सबसे पहला एलिमेंट है सोडियम सोडियम इज अ मेटल जब हम सोडियम मेटल को क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो एक ओरेंज कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है जिसके रिजल्ट में वाइट कलर सॉलिड सोडियम क्लोराइड बनता है एज यू ऑल नो दैट सोडियम क्लोराइड इज अटेबल सॉल्ट अगर हम केमिकल इक्वेजन को देखें सो एन एज सोडियम मेटल वेन रिएक्ट विद क्लोरिन गैस सी एल टू इट विल गिव सॉलिड एन ए सी एल द नेक्स्ट एलिमेंट इज मैग्नीशियम मैग्नीशियम इज ऑल्सो मेटल जब हम इसको क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो एक वाइट कलर का इंटेंस फ्लेम प्रोड्यूस होता है और उसके रिजल्ट में वाइट सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है दैट इज अ सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है सो अगर हम केमिकल इक्वेशन को देखें Mg रिएक्ट विद Cl2 टू गिव MgCl2 The next element is aluminium. Aluminium is uh, reacted with chlorine by passing chlorine dr dry chlorine over aluminium foil heated in a long tube. इट प्रोड्यूस अ पेल येलो सॉलिड एलुमीनियम क्लोराइड जब हम एलुमीनियम को ट्रीट करवाते हैं क्लोरीन स्टीम की फॉर्म में क्लोरीन के साथ क्लोरीन गैस के साथ सो इट विल रिएक्ट एंड गिव येलो सॉलिड पेल येलो सॉलिड दैट इज एलुमीनियम क्लोराइड ए एल सी एल थ्री द नेक्स्ट एलिमेंट इज सिलीकॉन वेन क्लोरिन इज पासड ओवर सिलिकॉन पाउडर हीटेड इन अ ट्यूब इट रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूस कलरलेस लिक्विड दैट इज़ कॉल्ड सिलीकॉन टेट्रा क्लोराइड सिलीकॉन को हम सिलिकॉन पाउडर की फॉर्म में एक ट्यूब के अंदर लेते हैं और उसको अच्छे से हीट कर लेते हैं फिर जब क्लोरीन गैस को उसके अंदर से पास करवाते हैं तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं और एक कलरलेस लिक्विड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं सिलीकॉन टेट्रा क्लोराइड एस आई सी एल फोर द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ phosphorus. White phosphorus burns इन chlorine टू प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ टू chlorides. Phosphorus जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो दो तरह के क्लोराइड बनते हैं एक फॉस्फोरस का ट्राई बनता है और एक पेंटा क्लोराइड बनता है जो फॉस्फोरस का ट्राई क्लोराइड है इसमें फॉस्फोरस पे प्लस थ्री चार्ज होता है और जो पेंटा क्लोराइड है इसमें फॉस्फोरस पे प्लस फाइव चार्ज होता है फॉस्फोरस का ट्राइक्लोराइड एक कलरलेस लिक्विड होता है जबकि पेंटा क्लोराइड एक ऑफ वाइट कलर का सॉलिड होता है ठीक हो गया तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन कि हम क्लोरीन कितनी ज़्यादा एक्सेस में या कितनी लिमिटेड अमाउंट में सप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट उस लिहाज से बनती है जो फॉस्फोरस के ट्राईक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड है उसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि जो फॉस्फोरस का ट्राईक्लोराइड है, है? है इसकी किस तरह की स्ट्रक्चर है और जो फॉस्फोरस का पेंटाक्लोराइड है इसकी किस तरह की स्ट्रक्चर है Now we move towards the next element that is sulfur when steam of chlorine is passed over heated sulfur. It रिएक्ट to form an orange, evil-smelling liquid that is called डाई सल्फर डाई जब सल्फर को हम ट्रीट कराते हैं क्लोरीन के साथ क्लोरीन स्टीम, उसकी क्लोरीन स्टीम uh, की फॉर्म में पास करते हैं सल्फर के अंदर से तो रिजल्ट में एक ईवल स्मेलिंग एक बैड ओडोर का लिक्विड प्रोड्यूस होता है जिसका स्ट्रक्चर जिसकी होती है S2Cl2, टू सी एल टू दैट इज कॉल्ड डाई सल्फर अगर आप इसकी स्ट्रक्चर पर देखें तो दो सल्फर एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं और हर एक सल्फर के साथ एक एक क्लोराइड अटैच है और क्लोराइड की पोजीशन इस तरह से है कि एक क्लोराइड डायरेक्शन एक तरफ है तो दूसरे की डायरेक्शन दूसरी तरफ है मीन सेम डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते नाउ द लास्ट एलिमेंट्स आर क्लोरीन एंड ऑर्गॉन एज यू ऑल नो दैट क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद इट सेल्फ एंड ऑर्गॉन ड्यू टू इट्स इनर्ट नेचर इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर ऑक्सीजन एंड क्लोरीन एट ऑल सो इफ वी लुक एट द समरी ऑफ रिएक्शन ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट्स विद क्लोरीन सो अगर हम ये देखें तो रिजल्ट में क्लोराइड्स बन रहे हैं सब केसेस में क्लोराइड्स बन रहे हैं और उन क्लोराइड्स की नेचर चेंज है जैसे सोडियम के केस में सोडियम क्लोराइड बन रहा है जो एक वाइट कलर का सॉलिड है मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है जो वाइट कलर का सॉलिड है एल्यूमिनियम केस में एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है दैट इज एक्चुअली ए एल सी एल थ्री यहाँ पे एक इशू है दैट इज नॉट ए एल टू सी एल थ्री दैट इज सिंपल ए एल सी एल थ्री एंड ए ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है ए एल टू सी एल सिक्स की फॉर्म में भी और आप इसको लिख सकते हैं ए एल टू सी एल सिक्स या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए एल सी एल थ्री तो ये एक पेल येलो कलर का सॉलिड होता है और सिलिकॉन एग्जिस्ट करता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की फॉर्म में एस आई सी एल फोर दैट इज़ अ लिक्विड और फॉस्फोरस दो तरह के क्लोराइड बनाता है जिसमें जो उसका ट्राईक्लोराइड है वो लिक्विड होता है और जो पेंटाक्लोराइड है वो सॉलिड होता है सल्फर एक ईवल स्मेलिंग लिक्विड बनाता है डाइसल्फर, डाइक्लोराइड और क्लोरीन और ऑर्गोन रिएक्ट नहीं करते अब हमने यहाँ पे ये देखा कि जो क्लोराइड्स बने हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन में जो ऑक्साइड्स बने हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में और जो हाइड्रो बने हैं वाटर के साथ रिएक्शन में इनकी एसिड बेस नेचर क्या है मीन्स दे आर एसिडिक के नेचर और बेसिक के नेचर और एम्फोटेरिक के नेचर इनकी स्ट्रक्चर क्या है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो सब हम इन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सो दिस इज़ ऑल ऑफ अवर लेक्चर थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़